सांप एक ऐसा जीव है जिसके बारे में जानने के लिए हर किसी के मन में उत्सुकता होती है, और यही उत्सुकता सांपों के बारे में ढेर सारे सवाल हमारे मन में पैदा करती है। जैसे कि पृथ्वी पर सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, दुनिया में हर साल कितने लोगों को सांप काट लेते हैं और कितने लोगों की मौत होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा सांप कौन से देश में पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों के सवाल जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक दुनिया में हर साल 54 लाख लोगों को स्नेक बाइट होते हैं, जिनमें से 80,000 से लेकर 1.25 लाख लोग मर जाते हैं। दुनिया भर में सांपों की लगभग 3,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अकेले भारत में 270 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है। फिर भी भारत देश सांपों के पाए जाने के मामले में पहले 5 देशों के लिस्ट में भी नहीं आता। तो आखिर वो कौन सा देश है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे ज्यादा सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दुनिया में पाए जाने वाली प्रजातियों में अकेले ऑस्ट्रेलिया में 1,078 प्रजातियां पाई जाती है, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को सांपों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सांपों के पाए जाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, मेक्सिको नंबर 2, ब्राजील 3 नंबर पर, इंडोनेशिया 4 नंबर पर, तो भारत 7 नंबर पर आता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद।